पाकिस्तान रेलवेज़ को चाहिए कि इस ट्रेन की जो प्रायोरिटी थी पुरानी वाली वो इसे दोबारा दे दी जाए। रहमान बाबा में अगर आपने ट्रैवल करना है तो पानी वगैरह जो है वो सब आप घर से लेके आएँ, क्योंकि ट्रेन में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यार एक जगह की जो है ये ऊपर से मेरे हाथ पे गिरी, मैंने हाथ दूर रखा हुआ था, जिस वजह से ये घड़ी आप देख सकते हैं, मेरी घड़ी जो है वो टूट चुकी है ऊपर से। देखें आगे कितने धुंधे, और इन हालात में ड्राइवर सा कितना मुश्किल है ट्रेन चलाना, क्योंकि आगे जो है ट्रैक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये है मेन प्लेटफॉर्म रीमिया खान का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक सब स्टेशन यानी कि डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे आसपास देखकर समझ गए होंगे, तो सीन ये है कि आज हम लोग जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस में, और ये ट्रैवल जो है हमारा वो होगा कराची के डिगरोड रेलवे स्टेशन से लेकर नवाबों के शहर भावलपुर रेलवे स्टेशन तक। तो आज का सफ़र जो है वो मैं अकेला नहीं कर रहा, बल्कि कराची के हमारे दोस्त जो है वो फैसल भाई आपको पीछे दिख रहे होंगे, और साथ ही रेल लवर्स पीके के सैफुर रहमान, ये दोनों भाभी हमारे साथ मौजूद हैं आज के सफ़र में जो कि हमारा होगा कराची से भावलपुर तक का। इसके अलावा एक दोस्त जो है हमारे शेख नवेद साहब, जिनको आप लोगों ने देखा होगा सर वीडियोस में, वो जो है वो कराची कैंट से बोर्ड होकर आ रहे हैं ट्रेन में, तो उनका भी थोड़ा कन्फर्म नहीं हो रहा कि वो होंगे या नहीं, क्योंकि कॉल वो पिक नहीं कर रहे, ऐसा ना हो घर पर सो रहे हैं और ट्रेन जो निकल गई। खैर देखते हैं अभी कि वो ट्रेन के साथ होते हैं या नहीं, क्योंकि कॉल अभी तक उन्होंने पिक नहीं की है हमारी। क्या लगता है सैफ, नवेद आएगा? 40% चांस। 40%। फैसल भाई 50-50। और मुझे तो लग रहा है कि 90% वो नहीं आने वाला, क्योंकि कॉल तो उठा ही लेता है बंदा एटलीस्ट, तो वो जो है वो आराम से सो रहा होगा। लेकिन हम जो है वो निकल चुके हैं अपने सफ़र में, ट्रेन जो है हमारी कराची कैंट से निकल चुकी है, बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले डिगरोड जंक्शन पर। तो चलें ट्रेन का अराइवल देखते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद बात सफ़र के साथ साथ करते हैं। तो दोस्तों ठीक 12:37 पर 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस हमारे सामने से आ रही है। HGM-32 ट्रेन को हॉल कर रहा है, मुसाफिर हजरात सारे तैयार हैं ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। कोच नंबर 10 है, ये रहा बिल्कुल हमारे सामने, और ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े से ही फासले पर हम इसमें जाकर आराम से बोर्ड हो जाएंगे। और इत्तेफाक से ये कोच भी जो मिला है हमें, ये मेरा फेवरेट कोच है, क्योंकि इसमें जो है वो हर सीट के साथ एक विंडो है। चले चले सर, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और मेरा फेवरेट कोच है, क्योंकि आपको आराम से वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है इस कोच में, और आराम से जो है हम कवरेज वगैरह कर सकते हैं। बाकी आगे दो सीना के कोचेस लगे हुए हैं, और सीन ये है कि ये जो 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का रेक है, ये वो रेक है जो आज सुबह पहुंचा है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस बन के। कल जो 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आई थी वो सुबह 27 अप शालीमार एक्सप्रेस बन के गई है, और आज सुबह जो 28 का रेक आया है वो 47 बन के जा रहा है। तो सर्दियाँ जब से शुरू हुई हैं तब से ये चल रहा है, और अल्टरनेट रेक्स जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं रोज़ाना ही तकरीबन दोनों ट्रेन के। खैर ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और 2 मिनट हॉल्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से डिपार्ट कर जाएंगे। तो ये कोच की हालत है, कोच की कंडीशन कुछ इस तरह की है।
और सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है ब्रिज रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ से चलने के बाद नेक्स्ट हॉल्ट होगा हमारा लांडी जंक्शन, जो कि थोड़ी देर में आ जाएगा और फिर हम लोग कराची से बाहर हो जाएंगे लांडी से निकलने के बाद। तो जितना भी रश था डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वो सारा रहमान बाबा एक्सप्रेस का था। ओए आराम से। तो ये देखें कराची के चपाटर बच्चे अभी पीछे के दरवाजे से चढ़ रहा है दोबारा ट्रेन में। कोई खौफ नहीं है इनको ट्रेन का, मजाक समझा हुआ है इन्होंने ट्रेन को। तो इस वक्त ट्रेन हमारी जो है सिर्फ 15 मिनट लेट चल रही है और देखते हैं कि भावलपुर हम लोग कब पहुंचते हैं और वहां तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन कितना लेट हो जाती है। वैसे ट्रेन का राइट टाइम वहां पर पहुंचने का तकरीबन 2 बजे का है, रात 2 बजे का। ये KCR के ट्रैक बिल्कुल हमारे सामने जो सीधा जाते थे डिपार्चर यार्ड रेलवे स्टेशन पर कॉलोनी जंक्शन से होते हुए। ये सारी इंक्रोचमेंट आपको दिख रही है जिसका हाल ही में एक्शन लिया है पाकिस्तान रेलवे ने और घरों को थोड़ा थोड़ा पीछे धकेल दिया है एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन के पास। मलिर रिवर ब्रिज पर हमारी ट्रेन कुछ देर में पहुंचने वाली है। तो दोस्तों 12:52 में ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी रश रहता है मुसाफिरों का हमेशा से ही और इस वक्त भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। तो लांडी जंक्शन पर जो है सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप होगा ट्रेन का और मुसाफिर जो है वो सारे बहुत जल्दी में है क्योंकि ट्रेन कहीं उन्हें छोड़ ना जाए इस बात का डर है सभी को। तो साथ ही अगर हम लोग रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो जब रहमान बाबा एक्सप्रेस को चलाया गया तो इसको ये सोच कर चलाया गया था कि पेशावर की आवाम के पास कोई ऐसी तेज़ रफ्तार ट्रेन या नॉन स्टॉप ट्रेन नहीं थी कराची के लिए,
कि जिसमें आप लोग जानते हैं कि 2018 से पहले जो है वो सिर्फ 3 ट्रेनें थी कराची के लिए पिशावर से, कि जिसमें थी एक तो खुशहाल खान खटक जो कि एक लोकल ट्रेन है, दूसरी थी अवाम एक्सप्रेस जिसको भी आप एक नॉन लोकल ट्रेन कह सकते हैं, और एक तीसरी थी खैबर मिल। तकरीबन तीनों ट्रेन जो थी वो एक ही कैटेगरी में आती हैं, और इसके अलावा कोई भी नॉन स्टॉप ट्रेन नहीं थी पेशावर के लिए। तो उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर जनाब शेख रशीद अहमद ने जो है वो पेशावर की आवाम को एक अच्छा तोहफा दिया था इस रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन का, क्योंकि जब 2018 में इस ट्रेन को चलाया गया था, 23 दिसंबर 2018 में इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था पेशावर और कराची के दरमियान, तो उस वक्त यही एक ऐसी ट्रेन थी जिसका किराया जो था वो खैबर मेल और अवामी जितना था, लेकिन जो स्टॉपेजेस थे इस ट्रेन के वो बहुत ही ज़्यादा कम रखे गए थे। कि जिसमें अगर मैं अभी की बात करूँ कि कराची से अगर मैं मुल्तान के स्टेशन की बात करूं, तो इस ट्रेन के स्टॉपेजेस ये हुआ करते थे पहले कि ट्रेन कराची कैंट से निकलती थी, फिर सीधा हैदराबाद, हैदराबाद के बाद नवाबशाह, नवाबशाह के बाद ट्रेन डायरेक्ट रुकती थी रोड़ी पर, रोड़ी के बाद रहीमिया खान, भावलपुर और फिर सीधा मुल्तान। जबकि अब इस ट्रेन की ऐसी हालत हो गई है कि इसके जो हैं स्टॉपेजेस तकरीबन 1000 जितने हो गए हैं, यानी कि जो प्रायोरिटी ट्रेन की पहले थी वो अब प्रायोरिटी नहीं रही, बल्कि अब जो है इसके सिंध में इतने सारे स्टॉपेजेस बढ़ा दिए गए हैं कि जिसमें कराची कैंट से चलने के बाद डिगरोड, लांडी, इसके बाद फिर आपका आ गया हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मजीद आगे टंडो आदम, नवाबशाह, लाखा रोड, भिरिया रोड, पड़ीदन, मेहराबपुर और फिर रोड़ी के बाद पन्नो अकेल, फिर रहीमिया खान, स्टॉपेज जो ट्रेन के बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। और ट्रेन की जो प्रायोरिटी पहले थी, पहले जितनी अहमियत थी इस ट्रेन को कम किराए में, वो अब मुसाफिरों के लिए नहीं है। तो पाकिस्तान रेलवे को इसको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेन को जब चलाया गया तो इसे जो है एज ए नॉन स्टॉप ट्रेन चलाया गया था, लेकिन जब अवाम एक्सप्रेस बन रही सैलाब के बाद से, तो इस ट्रेन के काफ़ी ज़्यादा स्टॉपेजेस कर दिए गए हैं। तो चूँकि अब अवाम एक्सप्रेस दोबारा बहाल हो गई है, तो क्यों ना ही अच्छा हो कि पाकिस्तान रेलवे इस ट्रेन की जो है वो प्रायोरिटी वापस से वही कर दे जो इस ट्रेन की पहले थी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो स्टॉपेजेस वाले चल रही हैं इन रूट्स पर। खैर, एक नॉन स्टॉप ट्रेन मिल जाएगी पेशावर के लोगों को अगर इस ट्रेन के स्टॉपेजेस कम कर दिए जाएंगे। तो तकरीबन 4 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने जो अपना डिपार्टिंग वैसे ले लिया है। चले, मैं चलता हूँ अपने कोच की तरफ। तो ये थी कुछ दास्तान रहमान बाबा एक्सप्रेस की, जो कि मैंने आपको भी पूरी सुनाई। तो 23 दिसंबर 2018 के बाद जब इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था, यानी कि उसके बाद से लेकर कोरोना के टाइम तक ये ट्रेन नॉन स्टॉप चलती रही, लेकिन कोरोना के बाद से जब इस ट्रेन को बहाल किया गया तो इसके चंद स्टॉपेजेस जो है वो बढ़ा दिए गए। फिर उसके बाद जब ये ट्रेन सैलाब के बाद चली, यानी कि 2022 के बाद चली, तो इसे जो है वो प्राक्स ने ले लिया था, यानी कि प्राइवेट कंपनी ने। तो काफ़ी दिनों तक ये ट्रेन प्राक्स के अंडर चलती रही, के अंडर चलने के बाद ही इस ट्रेन के स्टॉपेजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। लेकिन अब ये ट्रेन जो है वापस पाकिस्तान रेलवेज़ के पास आ चुकी है, तो पाकिस्तान रेलवेज़ को चाहिए कि इस ट्रेन की जो प्रायोरिटी थी पुरानी वाली वो इसे दोबारा दे दी जाए, ताकि इस ट्रेन की शान जो है वो वैसी ही हो जाए जैसी पहले हुआ करती थी। खैर, डिगरोड और लांडी तो इस ट्रेन के पहले स्टॉपेजेस नहीं थे, लेकिन ये दोनों स्टॉपेजेस जो है ये हर ट्रेन के लिए कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से मुसाफिर जो है वो ज़्यादातर इन स्टेशन से बोर्ड होते हैं ट्रेनों में, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो और जितनी भी बड़ी ट्रेन हो, इस रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ उतरती हैं और चढ़ती भी हैं। तो ये लांडी जंक्शन को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है और अब आगे बढ़ रही है हैदराबाद की तरफ। तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन की, गदर रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद काफ़ी अच्छी स्पीड है ट्रेन आगे बढ़ रही है, और कुछ ही देर में हमारी मुलाकात होने वाली है 42 डाउन गरा गरम एक्सप्रेस से, जो कि तकरीबन 4.5 घंटे लेट है इस वक्त। और अब हम लोग इसके पढ़ने जा रहे हैं धामे जी रेलवे स्टेशन को।
हमारे साथ साथ आ गया है बिल्कुल इस वक्त। तो दोस्तों ये कुछ हालात है, हमारे कोच से काफी पुराना कोच मिला है हमें, बाकी ये अंदर के हालात है। ये फैसल भाई हमारे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और हमारी सीट जो है वो बिल्कुल ये राइट साइड पर है जो फर्स्ट केबिन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लेडीज़ वगैरह बैठी हुई है जिस वजह से मैं आपको केबिन नहीं दिखा सकता। केबिन नॉर्मल ही है, कुछ इस तरह का खास नहीं है। चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो है वो अवेलेबल नहीं है, जैसा कि बाकी कौन सी कोचिंग होता है, सेम वही हाल है। तो ये पूरा जो है वो रिमोट एरिया है, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा जब हम रन बनानी स्टेशन पर रहे थे बाइक्स पर, तो फिर इन पहाड़ों से गुजरे थे, इन कच्चे रास्तों से गुजरे थे और फिर बिल आखिर बहुत मुश्किलों से पहुंचे थे रनपनाई रेलवे स्टेशन पर। तो ये वही इलाका है, ये वही एरिया है। तो ये 73 किलोमीटर के मार्ग पर आकर रुकी हमारी ट्रेन, यानी कि रन पठानी के बाहर। ये पूरा ऑटो ब्लॉक सेक्शन जो है इसका सिग्नल रेड है, इस वजह से ट्रेन यहाँ पे रुक गई। और बिल्कुल वीराने में एक सुजुकी हमें चलती हुई दिखाई दी है और ये पूरे कच्चे रास्ते से होती हुई जा रही है, और रास्ता जो है वो तो कुछ भी नहीं पता लग रहा, क्योंकि शायद ये यहाँ की रिहायशी होंगी या रोज़ इनका आना जाता हो जाना होता होगा। शायद ये काफ़ी अच्छा कर्व ले रही है ट्रेन, काफ़ी लंबा कर रही है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा सीन हो गया है कि लेडीज़ वगैरह के जो साइड थी उन्होंने वो पर्दा कर लिया है और हम लोग जो है वो एक साइड पर हो गए हैं। तो ये कुछ केबिन के हालात हैं, इससे मेन चीज़ ये है कि ट्रैफिक जो है वो उनकी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और हम जो है वो भी थोड़ा कंफर्टेबल होकर अपना सफ़र कर लेंगे। खैर साथ है हमारे आसपास, तो ये मैंने आते आते ले ली थी क्योंकि ट्रेन में जो है ये चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं। और पता लगा है कि रहमान बाबा में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है फैसल भाई? बिल्कुल ऐसा ही। इवन पानी का भी जो है वो मना कर दिया कि ट्रेन में पानी भी नहीं मिलेगा। ये बड़ी अजीब बात नहीं है? बिल्कुल, मुझे भी काफी हैरत हुई है। तो पानी वालों को भी यहाँ रास्ता नहीं है कि वो पानी सर्व कर सके। ऐसा ही है। तो रहमान बाबा में अगर आपने ट्रैवल करना है तो पानी वगैरह जो है वो सब आप घर से लेके आए, क्योंकि ट्रेन में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और हम जो है वो, मुझे इस वक्त काफी प्यास लग रही है लेकिन कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, हैदराबाद जाकर ही हम पानी पियेंगे। फिलहाल आसपास इसी पे गुजारा करते हैं। तो पहले इतनी आसपास जो है ये सिर्फ 2 रुपये की आती थी, लेकिन अब जो है इसके भी पैसे बढ़ गए हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के टिकट की तरह, और अब ये भी जो है इतनी सी आसपास 5 रुपये की हो गई है। तो देख रहे हैं आपके सुपारियों के रेट जो है ये भी कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। क्या रन बढ़ा है रेलवे स्टेशन पर सिर्फ रही है हमारी ट्रेन? एंटर हो चुकी है कोटरी शहर में और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हमारे सामने से आ रही है इस वक्त मार्गला और कराची के दरमियान चलने वाली।
दोस्तों 2:52 में ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 का सिग्नल जो है मुझे यहीं से डाउन दिख रहा है, शायद कोई ट्रेन आ रही है डाउन में। एक GU49037 हमारे सामने पोल्ट्री यार्ड में मालगाड़ी को लीड करते हुए। ऐसे ग्रीन लाइन के पीछे पीछे बिल्कुल 34 टाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस आ रही थी और हो सकता है कि उसी के लिए ये सिग्नल डाउन है प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पोल्ट्री जंक्शन पर। और हमारी ट्रेन को रुकना नहीं था लेकिन फिर भी रुक चुकी है कोटरी जंक्शन पर, तो सिर्फ 1 मिनट रुकने के बाद ही ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है कोटरी जंक्शन से। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 2 शुरू होती है जो कि फिर आगे 7 दादू लाड़काना से होती हुई जैकबाबाद तक जाती है। और इस पर इस वक्त इतनी की ट्रेन चल रही है जो कि है मोहनजोदड़ो पैसेंजर, जो कि रेगुलर चल रही है कोटरी से। बाकी इसके अलावा बोलान मेल है जो कि हर 2 दिन बाद इस रूट पर आती जाती है। बोर्ड लगा हुआ है 15 किलोमीटर का जिसे फॉलो करते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है। रेलवे ट्रैक का जाल बिछा हुआ है कोटरी जंक्शन पर। ये 34 डाउन आ रही है बिल्कुल हमारे सामने से। ग्रीन लाइन का नया CRRC इकोनॉमी क्लास का कोच लगा हुआ है, बेहतरीन। और ट्रेन हमारी बढ़ रही है दरियाए सिंध की तरफ।
और ये ब्रिज पार करते ही हम लोग जो है वो कोटरी शहर से हैदराबाद शहर में एंटर हो चुके हैं। सिर्फ दरिया है दोनों शहरों के बीच में, सेम इसी तरह जैसे रोड़ी सक्खर है, दरिया के एक तरफ रोड़ी और दूसरी तरफ सक्खर, सेम वही सीन है यहाँ पर भी। जो आप देख चुके होंगे मेरे इस वीडियो के आने से पहले ही, तो 16 नाउ निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुंच रही है ठीक 3:11 पर, तकरीबन 1 घंटे तक लेट हो चुकी है ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म जो है वो हमारी अपोजिट साइड पर है। एक अंकल ये रहा, तो बिल्कुल सेंटर में आया हमारा कोच। तो दोस्तों बिल्कुल मेन स्टेशन के बिल्डिंग के सामने हमारा कोच आके रुका है, कोच नंबर 10, और टाइम इस वक्त बिल्कुल आपके सामने अंग्रेज़ों के ज़माने की घड़ी लगी हुई है जिसमें 3:15 बज रहे हैं। शुक्र है कि इस घड़ी में पाकिस्तान रेलवेज के हालात की तरह टाइम ख़राब नहीं चल रहा, और ट्रेन में तकरीबन 5 मिनट का होल्ड होगा हमारा और फिर हम आगे मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट हॉल्ट टंडो आदम की तरफ। गली चार्ट कैसी रही है? चाट कैसे दिए? 100 रुपये की यार, एक दे दे। अच्छा वैसे याद है फैसल भाई, हम कराकरम में गए तो उस वक्त 50 रुपये की थी। तो ये चना चाट है और तो चाट मसाला काफ़ी अच्छा डला हुआ है और साथ ही चने आलू और धनिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुँह तो पानी आ रहा है मुँह में देखकर। चलें अभी से टेस्ट करते हैं, ट्रेन में चल के टेस्ट करते हैं। बल्कि सैफ भाई जो जा रहे हैं पानी की बोतल लेने, हम फिलहाल ट्रेन में चलते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। ऊपर ऊपर चने और नीचे आलू हैं, देख रहे हैं फसल भाई? चने ऊपर ऊपर हैं, चने ऊपर ऊपर हैं, नीचे आलू हैं, देखें आप खुश हैं। टेस्ट अच्छा चाट का, लेकिन सर्दी की वजह से जो है काफ़ी ठंडी हो गई है ये, लेकिन खाने में मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ आप ले जाना सुबह सुबह उतरम से खाने पर। चलो अब मैं से खाता हूँ, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा बात करते हैं। तो दोस्तों 3:20 पर हमारी ट्रेन जो है डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो मीठू पास लाइन अलग होती है, और इसके अलावा एक लाइन जो बदीन के लिए भी जाती है। तो ये दो रूट यहाँ से अलग होते हैं जिस वजह से हैदराबाद को जो है वो जंक्शन कहा जाता है। तो सर्दी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है,
आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन डिपार्ट कर रही है कि अगर कोई मुसाफिर बाहर है, उतरा हुआ है ट्रेन से, तो वो आ जाए और बोर्ड हो जाए ट्रेन में। ये लाइन जो अलग हो रही है, ये सीधा बदीन जा रही है हैदराबाद से, जो कि पूरा ट्रैक जो है वो पूरा सेक्शन सस्पेंड है फिलहाल। बाकी ये वाली जो लाइन है ये मीरपुर का कोतरो पार्क ब्रांच लाइन है, और ये जो है ये मेन लाइन वन की डाउन लाइन है। बाकी पीछे बिल्कुल सामने जो है वो कैरिज फैक्ट्री है हैदराबाद की, जहाँ पर मालगाड़ी के डब्बों को जो है रिपेयर वगैरह किया जाता है, मेंटेनेंस का काम सारा यहीं पर होता है मालगाड़ी के डब्बों का। और बदीन की लाइन भी जो है वो वहीं से उसके साथ राइट कर ले लेती है, जबकि मीपो खास वाली जो है वो डीथा तक साथ साथ चलेगी हमारे मेन लाइन वन के, और फिर डीथा के बाद ये अलग हो जाएगी मेन लाइन वन से। लेकिन ट्रैक स्विच जो है वो उसका हैदराबाद जंक्शन पर ही है। वो अचानक से एंटर हो गई है, एंट्री हो गई है ट्रेन की, जो कि बेसिकली आरजी के साथ आ रही है। बर्फ पड़ती तो ज़्यादा पता नहीं लगा इस ट्रेन के आने का। पार्सल एक्सप्रेस है ये, लेकिन हैरत ये है कि तो 040 के साथ नहीं आ रही है। काफ़ी लंबा रेक है, जिससे आरजी अकेला हॉल कर रहा है। हैदराबाद मेपो फास्ट रोड हमारे साथ साथ चल रहा है, 148 टाउन मेहमान बाबा एक्सप्रेस हमारे सामने से आ रही है। डीथा रेलवे स्टेशन पर खड़े होने की वजह ये थी कि आगे आगे आपने देखा कि मालगाड़ी जो है वो अप्रोच बना रही थी हैदराबाद जंक्शन पर, तो जब वो अप्रोच बना लेगी प्रॉपर, फिर उसके बाद ही मेहमान बाबा को सिग्नल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरी घड़ी जो है वो टूट चुकी है ऊपर से, और शीशा बिल्कुल क्रैक हो चुका है मेरी घड़ी का, साथ ही हाथ में मेरे काफ़ी ज़ोर से लगी है, उस वक्त काफ़ी तकलीफ हो रही है मुझे। ये हाल है हमारी पाकिस्तान रेलवे का। शुक्र है कि मेरा हाथ या मेरी गर्दन बाहर नहीं थी, वरना ये बहुत ज़ोर से मेरे मुँह पर लगता। खैर अभी का जो नुकसान है वो थोड़ा बर्दाश्त हो जाएगा। उडेरो लाल रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है इस वक्त ट्रेन।
हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। पहले ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, यहाँ पर जो है वो टर्न टेबल वगैरह हुआ करता था टंडो आदम का, और यहाँ पूरा यार्ड हुआ करता था। ये पूरा कार्गो टर्मिनल था टंडो आदम का, क्योंकि यहाँ से जो है वो मेहराबपुर के लिए एक ब्रांच लाइन निकला करती थी, जिसके चलते इस स्टेशन की ख़ास अहमियत थी। लेकिन जब से वो ब्रांच लाइन ख़त्म हुई है, तब से ये स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन रह गया है, मजीद जंक्शन नहीं रहा। तो ट्रेन हमारी पूरे 4:10 पर मूव होना शुरू हो चुकी है हैदराबाद जंक्शन से डाउन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म्स काफ़ी बड़े और काफ़ी खूबसूरत हैं टंडो आदम के, जिन्हें हाल ही में रेनोवेट किया गया है, और रेनोवेट करने के साथ साथ काफ़ी अच्छे पार्क जो हैं वो दोनों प्लेटफॉर्म के दरमियान बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है यहाँ पर भी, और अब प्लेटफॉर्म पर भी है। टोटल प्लेटफॉर्म से अगर हम बात करें तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन है, 2 ये रहा बिल्कुल हमारे सामने, 3 वो रहा, बाकी इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म जो है वो दो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पीछे हैं। ये मेन स्टेशन बिल्डिंग जो है वो अब प्लेटफॉर्म पर मौजूद है टंडो आदम की। हरियाली चेक करें आप स्टेशन पर, तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आएगी, जिसकी सवारी आपको बैठी हुई दिखाई दे रही है टंडो आदम जंक्शन पर। ये देखें कहाँ बैठा हुआ बच्चा ऊपर चढ़ के इंजन के, ये डब्बे को गिराने की कोशिश कर रहा है दूसरा बच्चा। तो ये तारीखी डब्बा है, ये तारीखी इंजन है ये, लेकिन उसे जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है बच्चों के खेलने के लिए। काफी मसरूफ रहने वाला फाटक टंडो आदम का। चेक करें आप इधर मिलता है बहुत पीछे वाला हमारे, हाथ में जो है वो अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा है, और सर्दी की चोट है तो इसमें दर्द जो है वो तो रहेगा ही। देखते हैं कि कुछ मरहम पट्टियाँ हमें मिलती है रास्ते में, या भावलपुर जाकर ही हम इसका कुछ इलाज करते हैं कुछ लगा कर। फिलहाल जो है वो पकड़ने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है मुझे दरवाजे को।
साथ। चार बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है शादापुर रेलवे स्टेशन पर। अजाने असर हो रही है इस वक्त शादापुर में। तो दोस्तों रहमान बाबा का जो है वो शादातपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप नहीं है, ट्रेन ऐसे ही रुकी है क्योंकि एक आगे मालगाड़ी जा रही है। तो फाइनली तकरीबन अपने 15 मिनट ज़ाया करने के बाद ट्रेन जो है हमारी वो डिपार्ट कर रही है शादातपुर रेलवे स्टेशन पर। तो इस तरह 5-5-10 मिनट करके ट्रेन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है मुख्तलिफ स्टेशन पर। स्पीड 205 ने काफ़ी अच्छा एक्सीलरेट किया है। ये रही शादापुर रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग। अगर ये स्टॉप ना होता तो हम इस स्टेशन को काफ़ी अच्छा स्किप करते। जो एक माल गाड़ी खड़ी हुई है ये शादापुर के बाद उल्टे हाथ पे तो फैक्ट्री आती है, जिस वजह से हमारी ट्रेन को शादापुर पर रोका गया था। तो वो पूरी माल गाड़ी लग रही थी इस गोदाम के अंदर। छोटी सी ट्रेन 2 इंजन के साथ। तो लुंडो से निकलने के बाद कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन आगे हमारी आगे बढ़ रही है। के 12 मिनट पर हमारी ट्रेन जो अप्रोच बना रही है वहाँ से रेलवे स्टेशन पर। ट्रैक चेंज करके ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म लाइन की तरफ बढ़ रही है। बाहर अच्छी खासी सर्दी जो है वो शुरू हो गई है इस वक्त।
है कि मेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती हुई ट्रेन, ये छोटा सा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 3 से 4 डब्बों की ट्रेन आराम से खड़ी हो सकती है, तो पहले यहाँ से ज़रूर ट्रेनें बन के चला करती होंगी। जिस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका इस्तेमाल भी होता होगा, नवाबशाह जिसे सिंध का दिल कहा जाता है, काफ़ी मशहूर और काफ़ी बड़ा शहर है सिंध का। दोस्तों 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस के पार्ट 1 में बस इतना ही था। तो अब इस जर्नी के पार्ट 2 को हम लोग नवाबशाह रेलवे स्टेशन से शुरू करेंगे, जो कि हमारा फिर पूरा भावलपुर रेलवे स्टेशन तक होगा। और आगे आगे सख्त सर्दी और शदीद धुंध में हमारा ये जर्नी कैसा गुजरेगा, ये सब अब आप लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। तो चले अब आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।